Welcome, dear students. This is lecture number 8, and today we are going to start a new chapter, which is chapter number 2 and page number 9. So in previous lecture we finished chapter number 1, and today we are going to start a new topic or a new chapter. The title of the chapter is Weather and Climates. Understand? So now open your book and page number 9, and then you have to read from the book as well. As so these are the two definition of weather and climate. Okay, inki definition kya hai jise hum samjhenge ki dono hai kya. So let's come to the point number 1, which is weather. Weather kise kehte hain? Aap log suna to hoga weather. Weather kehte hain mausam ko, mausam ko weather. So iski ek definition hai ki weather is the daily state of the atmosphere or rain in any given place. Yani daily state. Daily state means kisi bhi khas jagah ka atmospheric ya climatic condition, kisi khas jagah ka aur kisi khas din ka ya kisi khas time ka, ek din ka ya kisi khas time ka, wo uska jo ke halat hoti hai wo hum isko kehte hain. Kehte weather is different to different place at different places around the planet. यानी कि मौसम किसी भी एक, ये तो कहते हैं planet का ना, यानी कि इस पूरी अर्थ का कहीं भी किसी भी जगह का मौसम change होता है. और ये तो पूरे planet का कहता है. अगर आप सिर्फ एक शहर का और दूसरे शहर का मुवाजना करें तब भी उसका मौसम change होता है. अच्छा फिर कहते हैं in some places it is sunny right now while in other places it is snowing. यानी कि एक जगह अगर हम देखें वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक तेज़ धूप होती है एक ख़ास इलाके में, और किसी दूसरे इलाके या किसी दूसरे शहर में अगर आप देखें तो वहाँ पर बर्फ़ होती है. यानी कि एक शहर, एक जगह का मौसम ठंडा होता है और इसी वक्त का किसी दूसरी जगह में वहाँ का मौसम गर्म होता है. तो ये होता है मौसम. कहते हैं मैनी थिंग्स अफेक्ट द वेदर इंक्लूडिंग द एटमोसफेयर द सन एंड सीजन. इसमें शामिल है आपका ये कहता है कि सन के तेज़ है धूप, ये पे कहते हैं एटमोसफेयर का कहते हैं, ये भी इससे रिलेट करता है, और सीजन मौसम कौन सा चल रहा है उस वक्त. तो ये सारी मैटर करता है मौसम पे. अंडरस्टैंड? यानी कि वो ख़ास कंडीशन जो कि किसी ख़ास जगह या किसी ख़ास टाइम का होता है, यानी एक दिन का कह लें या किसी ख़ास स्पेसिफिक का, उसको हम कहते हैं मौसम. अंडरस्टैंड? यानी कि कहीं का मौसम गर्म होता है या यानी कि अभी जो मौसम चल रहा है गर्म है, तो ये एक दिन का हिसाब, यानी कि कल का टेम्परेचर अलग होगा और टुमारो यानी परसों तरसों का चेंज होगा. अंडरस्टैंड? अब फिर है इस क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट को उर्दू में कहते हैं आबो हवा. अच्छा आबो हवा किसे कहते हैं? कहते हैं क्लाइमेट इज़ द एवरेज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर विंड ह्यूमिडिटी स्नो एंड रेन इन अ प्लेस ओवर द कोर्स ऑफ ईयर. यानी कि इट इज़ अ एवरेज मेजरमेंट. ये पूरे वेदर का कह ले ये एक एवरेज मेजरमेंट कहता है, पैमाइश करता है. एक ख़ास दिन का ये नहीं कहते हैं. ख़ास जगह तो हो सकती है, यानी कि ख़ास जगह का क्लाइमेट क्या रहा, थ्रू आउट द ईयर हम देखते हैं पूरे सालों का, या किसी साल का या किसी सालों का हम कहते हैं इस ख़ास जगह का हम, यानी कि वहाँ का मौसम का कैसे रहा, वहाँ का कितनी बारिश हुई, कितना तूफान, हवा कितनी चली, फिर वहाँ पर बर्फ़ कितनी पड़ी, ये पूरा का हम एवरेज हिसाब लगाते हैं क्लाइमेट में. देखिए क्लाइमेट इज़ लाइक द वेदर बट ओवर अलॉन्ग पीरियड और टाइम. ये भी खास वेदर ही की तरह होता है, मौसम की तरह होता है. बट हम क्या करते हैं वेदर में, वेदर में ये होता है किसी खास टाइम पीरियड होता है, एक दिन का हम ले सकते हैं. बट क्लाइमेट में हम इसी मौसम को पूरा साल का हम, या पूरे साल का पूरा या बहुत ज़्यादा टाइम का हम अंदाज़ा लगाते हैं. यानी कि एक साल का या दो साल का हम एक ख़ास जगह का हम मेजरमेंट करते हैं, उस के वहाँ का मौसम सूरत हाल कैसा रहा, गर्म था, सर्द था.
Because a climate is a pattern of weather that occurs over a long time, such as years and centuries. यानी कि इसमें centuries भी आ सकती, सदियाँ भी और साल भी. यानी कि पाकिस्तान का मौसम कैसा रहा, कितने अरसे तक ये क्या रहा कि गर्म रहा. यानी कि पहले मौसम तो ठंडा था, यानी कि पाकिस्तान का हम कह लें या पूरी दुनिया का हम कह लें, तो ये अब क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है. तो यही क्लाइमेट कहते हैं, यानी कि पिछले 10 सालों से 15 सालों से क्या हो रहा है, मौसम क्यों चेंज होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है. अंडरस्टैंड? यानी कि अगर हम कहते हैं कि जी मौसम कल का मौसम या परसों का मौसम कैसा था, या उसकी हम एवरेज निकालते हैं किसी ख़ास दिन की, तो उसको हम मौसम कहते हैं, और क्लाइमेट को हम क्या कहते हैं, आबोहवा. सो इसी चैप्टर में हम, ये चैप्टर इसी से रिलेट करता है, वेदर एंड क्लाइमेट से. तो अब फिर अगला टॉपिक भी हमारा इसी पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पर. जी व्हाट कॉजेज द डिफरेंट क्लाइमेट, क्लाइमेट किस तरह ख़ास इलाके का, ख़ास जगहों का क्यों चेंज होता है. अंडरस्टैंड? तो समझ आ गया, यानी मौसम वेदर एंड क्लाइमेट का, आबो हवा. ये एक एवरेज मेजरमेंट होती है थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द सेंचुरीज, थ्रू आउट द डेकेड्स. अंडरस्टैंड? और वेदर, इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, डे और डेज भी कह सकते हैं. अंडरस्टैंड? सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. अंडरस्टैंड? टिल नेक्स्ट लेक्चर, वेरी गुड, बाय.